अगर आप ऐसा पनीर पकौड़ा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप लोग, मैं शुभम मिस आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, शुभम मिस के किचन में। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर लें ताकि वीडियो मिस ना हो। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से पनीर पकौड़ा। पनीर पकौड़ा बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, बनाना भी बड़ा आसान है। पनीर के पकौड़े बनाने के समय भी कम लगता है, तो क्यों ना आज पनीर के पकौड़े ही बना लें। आवश्यक सामग्री: पनीर, बेसन, तेल छानने के लिए, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। बेसन को एक बाउल में निकाल करके जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार थोड़ा सा डालें और मिलाएं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके मिक्स करें, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल करके मिक्स करें, चकोर भाग में काट लें। इस बैटर में पनीर को मिला लें। अच्छी तरीके से मिला लें। कढ़ाई में पकौड़े तलने के लिए तेल मैंने गर्म कर लिया है। अब तेल गर्म हो चुका है, बेसन के लपेटे हुए पनीर को कढ़ाई में डाल लें एक एक करके। दूसरी तरफ पलट दे और सुनहरी कलर का होने दे। अब इसे निकाल ले। पनीर के पकोड़े तैयार है। गर्मा गर्म पकौड़े धनिए की चटनी या सॉस के साथ परोसिए और खाइए। इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और शेयर कर दें। नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। बाय।